मैगी देखो भाई कितनी कैडी मैगी, ऐसे पहाड़ों हाथ में मैगी और क्या ही चाहिए बंदे को। ये देखो भाई ये डैम है और पानी अभी है नहीं है। ये देखो ये आप लोगों को पता कर इसका बर्थडे आ रहा है, हम मुजफ्फरनगर के पास रुके, ये स्विमिंग पूल और ये सब चीज बिक रही थी। मैं सोच रहा था तेरे कुछ गिफ्ट ले जाऊँ अपने पर्सनली, तो मैंने एक उसके लिए मतलब नॉर्मल इतना बड़ा साइज का स्विमिंग पूल ले लिया। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आपने पिछले दो व्लॉग देखे, हम लोग देहरादून के पास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वहीं है, हमारे भाई का घर है और यहाँ के लोकल हैं। भाई पूरा कल रिजॉर्ट दिखाया था आपको, बढ़िया नहाए धोए मज़े लिए, मतलब बढ़िया मज़ा आ रहा है। लोकल वाले ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर करा देते हैं आपको, वैसे आप टूरिस्ट पर जाओगे सहदर चले जाओगे मसूरी कैंपटी फॉल वगैरह चले जाओगे, लेकिन लोकल वाले आपको हिडन चीज़ें दिखाएंगे। आज भी देखते हैं कहाँ चलेंगे कहाँ नहीं, वैसे आज ही हम घर भी निकलेंगे थोड़ा सा घूम लें। और ये देखो व्यू यहाँ से दिखाता हूँ आपको, एयरपोर्ट इस तरफ है भाई। ये देखो खड़ी हमारी गाड़ी, साफ सी हो गई, ओस गिरी होगी ना इस पर, कल तो बहुत गंदी थी। चलो तो भैया हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट, यहाँ से निकलते हैं पैक करते हैं। राहुल भाई आज कहाँ घूमोगे? आज बताओ कहाँ चलना है, चलने बताओ तुम्हें ऋषिकेश चलना है या कहाँ चलना है बताओ। राहुल भाई बोले तो मुझे फोन करते ऋषिकेश, मतलब क्या दिक्कत हुई? राफ्टिंग हम करवाते बिना भीड़ के। वही हाँ, यहाँ भाई एक चीज और देखने को मिली, हर दुकान का ना बोर्ड आपको ब्राउन मिलेगा लिखा हुआ, हर दुकान का बोर्ड ब्राउन, यहाँ की गवर्नमेंट ने करवा रखा है ब्राउन रंग में व्हाइट कलर से लिखा हो, लिखा था कोई दुकान आएगी तो। ये देखो लिख रहा दुकान बीच सुपर मार्ट होलसेल, ब्राउन कलर से ही लिखा हुआ होगा भाई। होटल वोटल में ही लगा, ये देखो दिल्ली जायका फूड वाले का बोर्ड, सब ब्राउन है। एयरपोर्ट से आगे रुक गए कुछ खाने, वेज बिरयानी मिल गई और क्या चाहिए यूपी के आदमियों को। बेहतरीन हमारी वेज बिरयानी बेहतरीन, एक नंबर की बना रखी है भाई ना, ये भाई हैं। तो गाड़ी जो कल हमारी चीज रह गई थी ना जाने के लिए, आज हम वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? शीला की चौकी, शीला की चौकी पे आपको दिखाते हैं हिडन डेस्टिनेशन, एक हिडन जेम्स इन उत्तराखंड। ये देखो रास्ता कैसा है, खतरनाक भाई, ये कच्चे रास्ते पे ही चढ़ाई है पूरी भाई, पूरा कच्चा रास्ता आप 4-5 किलोमीटर का देखो। और ये व्यू है, हम पहुंच चुके शीला की चौकी, पहले भी दिखाई डैम है यहाँ का, डैम के उस तरफ का व्यू भी दिखाएंगे, इधर तो डैम से रुका हुआ है भाई। ये शीला की चौकी नाम क्यों रखा गया है यहाँ भाई, अभी कुछ बता रहे थे अरे बता दो भाई, बोल रहे यहाँ यहाँ एक राहुल भाई, ये डैम कब बना था? अच्छा पुराना डैम है ये, किसी फोटो है इनकी ये था, ये सॉरी गजेंद्र दत्त ने था नहीं, ताऊ जी है हाँ, शहीद वगैरह हो होंगे इनकी सही फोटो डैम बनने में। ये देखो ये है गजेंद्र दत्त नेथानी जी 2008 में खत्म हुए थे, 1921 से 2008 भाई, ये तो बहुत लंबा जी है यार, देश की आज़ादी के लिए भी लड़े होंगे ये तो, 47 में देश आज़ाद हुआ। मैं तो इन्हें खास पर वैसे जानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को इनका इतिहास पता होगा। चलो अब डैम पे चलते हैं। तुम्हारा भाई कैसे लग रहा है इन कपड़ों में, बताओ? बेहतरीन। तो क्या कह ऑफ बीट जगह ना मुझे क्यों पसंद है, भीड़ भड़क के मैं ऋषिकेश में खून खोल गया, और वही हाल मनाली का और रखा, वही ऋषिकेश वही मसूरी, ऑफ बीट जगह पर जाओ शांति मिलती है, मज़ा आता है, आराम से घूमो अपना, है ना। ये देखो भाई ये डैम है और पानी अभी है नहीं है। ये देखो जैसे यहाँ इस डैम पे कोई है ही नहीं ना ऑपरेटर ना कोई, कब आते हैं लोग? ये आएंगे बरसात के टाइम पे जब पानी होता है। अच्छा अच्छा हाँ, तभी आते हैं सब,
जितना पानी, अगर पानी ज्यादा होगा तब नीचे छोड़ जाता है पानी। अच्छा अच्छा, सिंचाई के लिए है? हाँ सिंचाई के लिए, के लिए। आज हमने भाई की छुट्टी और करा दी, और हमारे शंकर भाई तो गए, कल भी उन्होंने हमारे चक्कर में छुट्टी दे दी थी, आज भाई की करवा ली। भैया एक आदमी तो हमें चाहिए यहाँ लोकल में घूमने के लिए, पर नाम तो पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। हाँ ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ना ये। भैया अब आ गए मैगी खाने, मैगी पॉइंट बने हुए हैं जगह जगह बेहतरीन वाली मैगी। देखो भाई कितनी कैडी मैगी, ऐसे पहाड़ों हाथ में मैगी और क्या ही चाहिए बंदे को। भाई मैगी खा ली, एक नंबर बना रखी भाई, बेहतरीन। अब आगे चलते हैं यहाँ से। भाई यहाँ के एक लोकल ड्रिंक मिल लिया हमें, ड्रिंक का मतलब ये समझ रहे हो क्या है ये बताओ। ये है पल्लर, पल्लर बोलते हैं ना भाई। पल्लर, पल्लर, पल्लर। इसकी स्पेशलिटी बताओ कैसे बनती है, क्या है क्या है। इसे बनाने के लिए हमें ये होता है पहले एक माट बड़ा वाला, मतलब हंडिया होता है घड़ा। हाँ घड़ा, हंडिया घड़ा हो गया। घड़े को लेके घड़ा हमने एक उसमें रख दिया है, फिर आग के ऊपर, नहीं आग के ऊपर घड़े को ना, फिर लेते हैं हम एक छोटे छोटे से छोटे घड़े, छोटे घड़े चार छोटे घड़े लेके उसमें हम वो होता है ना गोबर के जो बनते हैं गुस्से, उबले उबले उसमें रख के, उन्हें जला के उसमें रख के उसमें तेल डाल के, जब तेल गर्म नहीं हुआ बढ़िया करके, फिर डालते हैं उसमें जीरा, फिर डालते हैं इसमें सौंफ, हरी सौंफ, फिर डालते हैं इसमें हम धनिया, साबुत धनिया, हींग भी है तो मैंने पीछे से हींग बाद में, ये साबुत धनिया। जब तक वो गर्म नहीं हुआ और जब तक तेल में आग नहीं आई ऊपर तक, आग पकड़ ली समझो रेडी हो गया। पकड़ने के बाद उठाया चिमटे से और उसमें डाल दी हींग और सीधे माट के अंदर और एक कपड़े से बंद करके अच्छा आवाज। अब ये पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अगले दिन माट को, फिर माट को क्या करते हैं फिर हम प्लेट, छोटी प्लेट होती है ढक के आटा, आटा से ढक देते हैं पूरा आटा करके, आटा की लोई बना के, हां गिलोई बना के ढक के उसके बाद अगले दिन खोलते हैं। 24 घंटे के बाद खुलना पड़ता है और ये कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होगी। नहीं भाई बिल्कुल चिल्ड है। और आप पी के देखो, आपको कितनी भी कब्ज रहती हो एक घूट मार लोगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ओके। दो बोतल नहीं है घर ले जाऊंगा, मैंने कल एक पी ली भाई मजा आ गया था। भाई वहां से निकल चुके हैं मैं भी खा के, अब यहाँ हम लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लवर्स पॉइंट पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने, यहाँ जोड़े खड़े होंगे छाया में। देखो यहाँ भी कुछ लवर का कुछ मैटर चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं भाई लवर्स पॉइंट पे, तो कोई वहां भी गाड़ी लग रही है और आगे आपको लेके चलेंगे। सो हम लोग दोबारा एयरपोर्ट आ गए हैं भाई हमारे शंकर भाई को लेने। भाई सीएन डलवाने आ गए दोई वाला, आपको देहरादून से पहले भी सीएनजी मिल जाएगी, ऋषिकेश भी मिल जाएगी, मतलब ये है सीएनजी वाले यहाँ लोकल है मौज में रहोगे। कर रही है देखो हमारी गाड़ी। दोबारा जॉली ग्रांट आ चुके हैं भाई को छोड़ने, ठीक है भाई चल रहे हैं। बाय बाय, ठीक है बाय बाय, ठीक है भाई है ना, ओके मिलते हैं, आएंगे जल्दी जल्दी मिलते हैं। अब भैया निकल चुके हैं हरिद्वार की तरफ, हम पहुंच चुके हैं भाई हरिद्वार, बेहतरीन व्यू के साथ सनसेट होने वाला है भाई, बोल देता हूँ। अब दोबारा हम लोग पहुंच चुके हैं सीएनजी पंप पे हरिद्वार के, अब यहाँ करवा लिया सीएनजी फुल। अभी खैर आज से ज्यादा बच रही है, देहरादून डलवाई थी लेकिन भाई क्या है ज्यादा लंबा पड़ जाता देहरादून से दिल्ली, कर नहीं पाएगी और प्रेशर भी कम मिलता मुजफ्फरनगर के जो पंप है ना तो ऑफलाइन ही है, मेरठ के मेरठ से चालू होते हैं ऑनलाइन पंप, यहाँ से फुल करवा लें अपना घर लग जाएगी यहाँ से। आप लोगों को पता है इसका बर्थडे आ रहा है, हम मुजफ्फरनगर के पास रुक गए, स्विमिंग पूल और ये सब चीज बिक रही थी, मैं सोच रहा था मेरे कुछ गिफ्ट ले जाऊं अपने पर्सनली, तो मैंने एक उसके लिए मतलब नॉर्मल इतना बड़ा साइज का स्विमिंग पूल ले लिया। इसमें वो नहा ले, दिखाता हूँ।
ये देखो भाई इतना बड़ा स्विमिंग पूल लिया, मतलब बच्चे के साथ बढ़िया है। तो अब भाई हम मेरठ पहुंच चुके हैं देख लो, और अब बोरी हो गए, ज्यादा क्या दिखाऊं, इसके बाद कुछ नहीं। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।